हेलो फ्रेंड्स। तो सुपरसेल आईडी का ऑप्शन आने के बाद बहुत सारे लोगों ने सुपरसेल आईडी के साथ कनेक्ट किए, लेकिन अभी तक बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। टू मैनी अटेम्प्ट्स का भी इश्यू आ रहा है, तो वही मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉग इन करते हो सुपरसेल आईडी में, क्रिएट न्यू करोगे तो अपना ईमेल एंटर करना है और उसके बाद वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी के ऊपर। तो गाइज, आपको क्या करना है, ये जो सेम ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी को आपको अपने दूसरे मोबाइल या फिर लैपटॉप कंप्यूटर, आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें लॉग इन कर देना है, ताकि जब भी आप ओटीपी वाले ऑप्शन में पासवर्ड आए तो आपको जो नंबर डालना है वो दूसरे डिवाइस में से देखकर ये डिवाइस में देख सको और एकदम सही डाल सको। ओटीपी का मतलब ही होता है वन टाइम पासवर्ड, वो दूसरी बार नहीं चलेगा। अगर आप उसको दूसरी बार ट्राई करोगे तो वो वर्क नहीं करने वाला, कुछ भी गलत डालोगे तो वो आपका ईमेल आईडी में 24 आवर के लिए ब्लॉक हो जाएगा, आपका विलेज फिर लोड ही नहीं होगा। तो जब कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो और जिसमें भी पासवर्ड होते हैं, तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर गलत डालने का ट्राई करते हो तो सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वो एप्लीकेशन के जो ओनर्स या फिर डेवलपर्स होते हैं वो सभी लोग यही सेटिंग रखते हैं कि कोई भी गलत पासवर्ड डाले तो 24 आवर तक आपको बैन मिल जाएगा। तो क्लैश ऑफ क्लैंस में भी सेम चीज़ होती है, आपको 24 आवर के लिए बैन मिल जाएगा जो कि टेम्पररी है। 24 आवर के लिए आपको कुछ भी फिर ट्राई नहीं करना है। अगर जितनी बार ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक बार जैसे ही आ गया टू मैनी अटेम्प्ट्स तो आपको स्टॉप कर देना है। अब 24 आवर के लिए वेट करना है, यानी कि अगर आज आपको सुबह 10 बजे ट्राई किया, टू मैनी अटेम्प्ट वाला ऑप्शन आ गया, ट्राई अगेन का ऑप्शन आ गया, तो अब आपको डायरेक्ट कल सुबह 10:30 बजे फिर से ट्राई करना है। जैसे मैंने बोला, दूसरे डिवाइस में भी लॉग इन करके रखना है ताकि उसमें आप ईमेल आईडी में जो ओटीपी आए वो देख लो और यहाँ पे एंटर कर लो। और साथ ही साथ आपके डिवाइस में जो भी पुराने ओटीपी या पासवर्ड आते हो क्लैश ऑफ क्लैंस की ये सुपरसेल आईडी के बारे में, वो सारे डिलीट कर दो ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कौन सा नया है कौन सा पुराना है, वो एकदम क्लियर हो जाए। 24 आवर के बाद आप लॉग इन करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा।